बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। आज के सबक का उन्वान है, हम सब भाई भाई हैं। हम सब भाई भाई हैं मतलब तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। बच्चों, ये पाकिस्तान का झंडा है। हमारा झंडा बहुत खूबसूरत है। इसमें दो रंग हैं। सब्ज रंग इस बात की अलामत है कि यहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, और सफ़ेद रंग इस बात की अलामत है कि यहाँ गैर मुस्लिम भी आबाद हैं। बच्चों, ये कायदे आज़म की तस्वीर है। बच्चों, ये हमारे मुल्क के बानी हैं। इनका पूरा नाम मोहम्मद अली जिन्ना है। बानी का मतलब है बनाने वाला। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया। बच्चों, पहले यहाँ अंग्रेज़ों की हकूमत थी। कायदे आज़म की वजह से हमें आज़ादी हासिल हुई, और 14 अगस्त 1947 को हम आज़ादी का दिन मनाते हैं। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। इसके 4 सूबे हैं। सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान, सूबा खैबर पख्तूनख्वा। कश्मीर भी हमारे मुल्क का हिस्सा है। हम अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे मज़हब इस्लाम में मिलजुल कर और मोहब्बत से रहने का दर्स दिया गया है। अब हम अपने सबक हम सब भाई भाई हैं की रीडिंग करेंगे। आपने इस सबक की 5 बार रीडिंग करनी है, ताकि आप मुश्किल अल्फाज को आसानी से पढ़ सकें। हम सब भाई भाई हैं। आसमा कमरे में आई तो टेलीविज़न स्क्रीन पर पाकिस्तान का परचम लहरा रहा था। बच्चे परचम के पास खड़े मिली नगमा गा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ादी पाइंदाबाद। कितना प्यारा नगमा है। आसमा बोली, हाँ बेटी, हमारा मुल्क भी तो बहुत प्यारा है। अब्बा जान ने कहा, कल उस्तानी साहिबा ने हमें बताया था कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया है। हाँ भाई, कायदे आज़म बहुत काबिल और मेहनती इंसान थे। अब्बा जान बोले, पहले हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान का हिस्सा था। अंग्रेज़ों की यहाँ हकूमत थी। कायदे आज़म ने हमें आज़ादी दिलाई। अब्बा जान, पाकिस्तान कैसे बना? आसमा ने पूछा। अब्बा जान बोले, हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी। वो चाहते थे कि अंग्रेज़ चले जाएं और यहाँ हिंदुओं की हकूमत कायम हो जाए। कायदे आज़म ने कहा, हिंदुस्तान में मुसलमान दूसरी बड़ी कौम है। इनका मज़हब, रहना सहना और खाना पीना हिंदुओं से अलग है, इसलिए मुसलमानों का भी अलग मुल्क होना चाहिए। फिर क्या हुआ? आसमा बेचैनी से बोली। फिर कायदे आज़म ने मुसलमानों को मुत्तहिद किया, सब ने मिलकर कोशिश की और आखिर पाकिस्तान बन गया। हमने आज ही के दिन आज़ादी हासिल की थी। आज 14 अगस्त है ना। टेलीविज़न पर पाकिस्तान के खूबसूरत मंजर दिखाए जा रहे थे। अब्बा जान बोले, हम सब पाकिस्तानी हैं। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। यहाँ ऊंचे पहाड़, चौड़े और गहरे दरिया, समंदर और वसी सहरा हैं। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। हम किसी भी सूबे में रहते हों, एक दूसरे के दुख दर्द के साथी हैं। हम सब भाई भाई हैं। हमारे सूबों के नाम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान हैं। कश्मीर भी हमारे मुल्क का हिस्सा है। हम अपने मुल्क और यहाँ रहने वालों से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इस्लाम हमें मोहब्बत से रहने का सबक सिखाता है। आइए अब हम अल्फाज मायनिंग की पढ़ते हैं। अब मैं आपको अल्फाज मायनिंग याद करवाऊंगी। आपने हर लफ्ज़ को अच्छी तरह लिखकर याद करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फाज मायनिंग। मिली, फर्स्ट वर्ड है मिली नगमा। मिली नगमा का मायनी है मुल्क के बारे में गीत। सेकंड वर्ड काबिल। काबिल का मायनी है लाइक। थर्ड वर्ड मुत्तहिद। मुत्तहिद का मतलब है इकट्ठे। नेक्स्ट वर्ड दुख दर्द। दुख दर्द का मायनी है मुश्किलात।